और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की ओर, यानी अगली खबर की ओर। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र सरकार को आखिरकार झुकना पड़ गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की छुट्टी हो गई। मुंबई में परसों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, जिसके बाद उद्धव सरकार ने कमिश्नर परमवीर सिंह को उनकी कुर्सी से हटाने का फैसला कर लिया। उनकी जगह हेमंत नगराने को मुंबई पुलिस की अब कमान मिली हुई है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है परमवीर सिंह, जिनकी आज छुट्टी हुई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर इनकी पहचान रही है। पिछले साल 29 फरवरी को ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर बने थे। सचिन वाजे केस में उनकी भूमिका के चलते उनको अब हटाया गया है। सचिन वाजे सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा था। सचिन वाजे की बहाली के लिए सिफारिश परमवीर सिंह ने ही की थी। अब परमवीर सिंह को होमगार्ड विभाग में शंटिंग के तौर पर भेजा गया है और उनकी जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर आया संकट इस तबादले से टल जाएगा या ये संकट की असली शुरुआत भर है। यह मुंबई के नए कमिश्नर हेमंत नगराले के स्वागत की तस्वीर है और दूसरी तरफ परमबीर सिंह का तबादला आनन फानन में किया गया। कुछ इस तरह मुंबई की 50,000 की पुलिस फोर्स का मुखिया बदल दिया गया। किसी भी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है, एनआईए और एटीएस जो अपने केस कर रहे हैं उसमें वो सक्षम है किसी के भी ऊपर एक्शन लेने के लिए। ये तबादला दिखा रहा है महाराष्ट्र सरकार संकट में है। उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं। सचिन वाजे सिर्फ परमवीर सिंह का नजदीकी नहीं था बल्कि उद्धव ठाकरे का भी करीबी था। सचिन वाजे की फोर्स में वापसी में सिर्फ परमवीर नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का भी हाथ था। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया, कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। ये बेवजह नहीं है कि जैसे जैसे एनआईए की जांच बढ़ रही है महाराष्ट्र सरकार में बैठकों का दौर भी बढ़ रहा है। तबादले से पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे से मिले। कल ही वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। परसों एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये कोई सरकार का पूछ कर सरकार के कोई अपराधी या कोई पुलिस काम नहीं करता, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। वही बीजेपी इस दावे पर यकीन नहीं कर रही। बीजेपी सचिन वाजे के बहाने अपने हमले और तेज कर रही है, अपने हमले तीखे कर रही है। इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ। उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली और उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पर यह आया है कि इस रैकेट में यह और इनके एक और साथी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लगातार बैठकों से ये तो साफ था कि महाराष्ट्र सरकार पर एक्शन लेते दिखने का दबाव था, लेकिन अब नजरें एनआईए की जांच पर लगी हैं। सचिन वाजे के मुंह से निकलते नाम महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जिस सचिन वाजे की वजह से आया है उसके बारे में एनआईए सूत्रों से खबर आ रही है कि वो जांच में मुंह नहीं खोल रहा। मतलब वो बता नहीं रहा कि उसने किसके कहने पर विस्फोटक से भरी गाड़ी वहां पर रखी थी। लेकिन विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है उससे कुछ चेहरे उभर कर जरूर सामने आ रहे हैं जो वाजे के इस खेल के पीछे हो सकते हैं।
और ये चेहरे हैं परमवीर सिंह, जिन्हें आज ही मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सिफारिश पर ही वाजे की बहाली हुई थी। दूसरा, सचिन वाजे शिवसेना से रहा है, शिवसेना से उसका संबंध रहा है, तो शक के घेरे में शिवसेना के नेता भी हैं। बीजेपी सीधे सवाल पूछ रही है कि शिवसेना क्यों पहले दिन से वाजे को आधिकारिक तौर पर बचाती आ रही थी। तीसरा, गृह मंत्री की जिम्मेदारी राज्य की सुरक्षा की बनती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे ही पुलिसकर्मी साजिश रचते हैं, ऐसे में अनिल देशमुख पर भी लगातार विपक्ष हमले कर रहा है। चौथा, विपक्ष सीधे हमले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कर रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि सचिन वाजे पर उद्धव ठाकरे ही मेहरबान थे। ये एनआईए की जांच के बाद ही साफ होगा कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, लेकिन जिस बात से संदेह गहरा रहा है वो है वाजे का राजनीतिक करियर। देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। सचिन वाजे महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। महाराष्ट्र में सचिन वाजे की छवि हमेशा से विवादित रही है। 1990 में पुलिस फोर्स में दाखिल होने के बाद मुंबई में एक के बाद एक हुए इनकाउंटरों ने उसे मशहूर किया, लेकिन ऐसी ही एक घटना ने उसका करियर डुबो दिया। 3 मार्च 2004 को हिरासत में मौत का आरोपी बना सचिन वाजे। तब ख्वाजा यूनुस नाम के शख्स की हिरासत में मौत हुई थी, जिसके बाद वाजे को सस्पेंड कर दिया गया। जब एक करियर डूबा तो सचिन वाजे का दूसरा करियर शुरू हुआ, राजनीतिक करियर। 2008 में वाजे शिवसेना में शामिल हो गया। माना जाता है कि सचिन वाजे शिवसेना में संजय राउत और उद्धव ठाकरे का बेहद नजदीकी था। एंटीलिया केस के शुरुआती दिनों में उद्धव ठाकरे सचिन वाजे का बचाव करते नजर आए। चित्र निर्माण केले जाते की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे। शायद यही वजह थी कि जब उद्धव सरकार सत्ता में आई तो वाजे की लॉटरी भी खुल गई। 16 साल बाद उसे सर्विस में वापस लिया गया। क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिलने के बाद भी उनको क्राइम ब्रांच की एक हाई प्रोफाइल यूनिट यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बना दिया गया। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बनाने के बाद मुंबई पुलिस ने हर बड़े मामले को, हर हाई प्रोफाइल केस को सचिन वाजे के पास भेज दिया, यानी कि सचिन वाजे हर उस बड़े मामले के आईओ बन गए, जांच अधिकारी बन गए, जिसकी की हर तरफ चर्चा हो रही थी, चाहे वो टीआरपी स्कैम का मामला हो या फिर दूसरे मामले हो, फेक फॉलोअर्स का मामला हो या फिर पॉन रैकेट का मामला हो, हर ऐसे बड़े मामले के जांच अधिकारी सचिन वाजे ही थे। इसी वजह से बीजेपी उद्धव को सीधे निशाने पर ले रही है। प्रश्न उद्धव ठाकरे साहब के से है कि परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 5 जून को सचिन वाजे की नियुक्ति गैर कानूनी अपारदर्शक पद्धति से की, एनआईए से मैंने मांग की है उसकी जांच हो। वही महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है और दावा कर रही है कि सचिन वाजे को सरकार बचा नहीं रही। सरकार की जानकारी में ये बोलना ठीक बात नहीं है। पहला जो एफआईआर हुआ वो एटीएस ने एफआईआर किया ना, जो भी घटना घटी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, तो इसमें किसी के पीछे खड़ा रहना ये बात तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने करियर में दूसरी बार सचिन वाजे सस्पेंड हो चुके हैं और उनकी करतूतों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। सचिन वाजे आज घर घर में एक नाम हो गया। सचिन वाजे जैसे जैसे एंटीलिया कांड में अंदर धंसता गया वैसे वैसे नए नए सुराग सामने आते गए। पहले इस केस में 2 गाड़ियां आई थी, अब एक तीसरी गाड़ी की भी एंट्री हो गई है और वो गाड़ी है मर्सिडीज। तो सबसे पहले सामने आई थी स्कॉर्पियो गाड़ी जो 25 फरवरी को विस्फोटकों के साथ एंटीलिया के बाहर खड़ी मिली थी। इस गाड़ी को 17 फरवरी को चोरी दिखाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ये गाड़ी सचिन वाजे के ने छिपाकर अपने पास रखी थी। इसके बाद एक और गाड़ी का जिक्र आया, वो थी सफेद रंग की इनोवा जो दरअसल पुलिस की ही गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो को प्लांट करने के लिए किया। नंबर प्लेट बदलने के बाद ये गाड़ी सामने आ गई और अब सामने आई है मर्सिडीज की गाड़ी। पुलिस मुख्यालय में ये गाड़ी सामने खड़ी थी जिसे सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट और बदले हुए कपड़े इस गाड़ी में छिपा कर रखे थे। आरोप है इसमें कैश और कैश गिनने की एक मशीन भी हाथ लगी है। अब इन्हीं 3 गाड़ियों से सचिन वाजे की गर्दन तक कानून के लंबे हाथ पहुंच गए हैं।
कब तक मुंह बंद रखेगा बाजे? कब तक छुपाएगा राज? कब तक बचेगा मास्टरमाइंड? एनआईए की टीम के आगे लगातार पांचवें दिन सचिन वाजे कुछ बताने को तैयार नहीं। वाजे ना ये बता रहा है किसके इशारे पर काम किया, ना ये बता रहा है साजिश का मकसद क्या था। लेकिन जांच आगे बढ़ रही है, सचिन की हर चाल की काट ढूंढी जा रही है। सचिन वाजे ने मोबाइल फोन कहीं फेंक दिया, अब सचिन वाजे के मोबाइल को क्लोन कर डेटा हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं। सचिन वाजे ने कंप्यूटर से डेटा डिलीट कर दिया, एनआईए टीम डेटा रिकवर करने में जुटी है। सचिन वाजे सच छिपा रहा है तो एनआईए वाजे के सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में वाजे के सहयोगी एपीआई रियाज खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनआईए के पास पुख्ता सबूत है कि इस वारदात को सचिन वाजे ने अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो कार के नजदीक जो शख्स पीपीई किट में नजर आ रहा था, दरअसल वो पीपीई किट नहीं पहना था बल्कि उसने एक ढीला ढाला सफेद रंग का कुर्ता पहना था और अपना चेहरा एक बड़े रुमाल से ढका हुआ था। ये बड़ा ढीला ढाला कुर्ता पहनने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे था। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स 25 फरवरी को एंटीरिया के पास खड़ी की गई स्कॉर्पियो की जांच करता नजर आ रहा है। आज एनआईए ने खुलासा किया कि फुटेज में दिख रहा शख्स सचिन वाजे है जिसने पीपीई किट नहीं बल्कि कुर्ता पहना है। एनआईए यह मानती है कि इस साजिश को एक शख्स अंजाम नहीं दे सकता, ऐसे पर और भी लोगों से पूछताछ करना जरूरी है। इसीलिए एनआईए लगातार सचिन वाजे की टीम के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है। जांच में सबसे ज्यादा मददगार बनी है गाड़ियां। इनोवा और स्कॉर्पियो के बाद मुंबई पुलिस मुख्यालय से एनआईए ने मर्सिडीज भी कब्जे में ली। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जितनी गाड़ियां लेकर निकले थे सबकी डिटेल निकाली जा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि गाड़ियां किसकी हैं और गाड़ियों से सचिन वाजे का संबंध क्या है। सामने ये भी आ रहा है सचिन वाजे इस कांड में पूरी तरह शामिल था। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार रखने के मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार सचिन वाजे से पूछताछ और जांच में एनआईए के सामने कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण खुलासा ये कि इस पूरी साजिश को सचिन वाजे ने अंजाम किया था, यानी कि सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियो कार को एंटीलिया के नजदीक पार्क कराया था। जांच में ये बात सामने आई है कि स्कॉर्पियो कार को इनोवा कार एस्कॉर्ट कर रही थी जिसे खुद सचिन वाजे चला रहे थे, यानी कि एंटीलिया के नजदीक जो विस्फोटक भरी कार रखने की साजिश थी वो सचिन वाजे की उपस्थिति। व्यापारी मनसुख हिरेन की मौत अब तक एनआईए की जांच से बाहर है, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है एनआईए मान रही है कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत का आपस में रिश्ता है। आज डाइटम रिपोर्ट में सामने आया जिस वक्त रेती बंदर खाड़ी इलाके में मनसुख पहुंचे थे तब तक वो जिंदा थे। उनके फेफड़ों में खाड़ी का पानी मिला है जिससे लगता है कि उनकी हत्या वहीं पर की गई। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे बार बार दावा कर रहा है कि वो मौका वारदात से दूर था, जिससे एनआईए का शक और भी गहरा हो गया है। सचिन वाजे बोले ना बोले वो सबूत छोड़ गया है जिससे एनआईए का शिकंजा उसके खिलाफ और कसता जा रहा है। तो सचिन वाजे के इस बड़े मुद्दे पर दर्शकों की क्या राय निकलकर सामने आ रही है, हम आपको अब जरा उसको भी दिखा देते हैं। ट्विटर पर ललन जी चौधरी लिखते हैं कि सचिन वाजे एक राजनीतिक एवं एक पुलिस अधिकारी निलंबित होने के 16 साल बाद फिर से बहाल करना, संदेह के घेरे में है उद्धव ठाकरे। वहीं काका मांगीलाल लिखते हैं कि उद्धव की सरकार में खलबली मची है, जिसे मदारी खेल दिखाने के बाद अपनी झोली डंडे समेटता है वैसे ही उद्धव लगे हैं। ABP News आपको रखे आगे।